राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्रीवियस कुछ वीडियोस से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, काफी डीपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आज वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द चैलेंज एंड ग्राफ का टॉपिक आ चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही टफ दे दिया ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है एनी वेज चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। शुभ को पूछते हैं कैसा गया हमका आज का डे। सो शुभ हाउ वॉज द डे, कैसा गया आज का डे आपका? काफी टफ था करण और सोचने में काफी डिफिकल्टी आया और इम्प्लीमेंटेशन भी काफी अच्छा था और मतलब काफी टफ क्वेश्चन था। ब्रूट फोर्स बन गया शुभ से? यस करण ब्रूट फोर्स तो बन गया। और फाइनल वाला? फाइनल वाला मतलब ब्रूट फोर्स तक ही बन पाया, उसके आगे नहीं बन पाया। ठीक है एनीवेज गाइस का ब्रूट फोर्स सोचने में बहुत टफ था, मैं नहीं बन रहा था इनिशियली, अगर आपको बन गया तो बहुत अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ठीक है शुभ। सो बेसिकली क्वेश्चन में आपको बोलेगा आपको मैट्रिक्स दे देगा ठीक है एंड मान लो कि इधर शुभ ऐसा कुछ है टॉप है ठीक है, इधर ये है एफ टॉप, ये है डाउन, ये राइट ठीक है। आपको बताना है एक मैट्रिक्स का एक सेल गुड है कि नहीं, वेदर सेल इज गुड और नॉट। और शुभ एक सेल गुड, सेल मतलब फिर क्या होता है, ये एक सेल है ठीक है, तो एक सेल गुड है कि नहीं और ऐसे कितने गुड सेल्स आपको काउंट बताना है, हाउ मेनी गुड सेल्स आर देयर। अच्छा एक सेल गुड कब होता है भैया? एक सेल गुड शुभ तब होता है ना कि जब आप एक सेल से इधर यू कैन रीच एफ, इस एक्सट्रीम पे आप आ रहे हो और टॉप और कहीं भी आ रहे हो तो ठीक है एंड राइट और डाउन, मतलब या तो एफ के टॉप में आ जा रहे हो और या तो राइट एंड डाउन कहीं भी आ जा रहे हो तो ये सेल गुड है भाई। दोनों कंडीशन होना चाहिए और एंड को ध्यान रखना है, हो रहा है तो ये सेल गुड है एंड ऐसे कितने गुड सेल्स आपको बताना है। अब भैया जाने में दिक्कत क्या, जा तो सकते ही है, दिक्कत ये है कि आप जा वहीं सकते हो, देखो मान लो शुभ अगर आप टू पे हो तो टू से शुभ वहीं जा सकते हो जो आपसे छोटा या बराबर है, मतलब टू से आप बोलोगे भाई मैं थ्री ऐसे चला जाऊं बट शुभ आप थ्री पे जा ही नहीं सकते क्योंकि थ्री का क्या है आपका, थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो आप वही पाथ फॉलो कर सकते हो जो पाथ में आपसे छोटा नंबर हो, तो यू हैव टू फॉलो अ डिक्रीजिंग पाथ बेसिकली, नॉट स्ट्रिक्टली बट डिक्रीजिंग पाथ, मतलब आप ऐसे टू टू वन एक पाथ सही है, टू से वन, आप ऐसे नहीं कर सकते कि टू थ्री फाइव, क्योंकि आप थ्री से फाइव आ ही नहीं सकते क्योंकि फाइव थ्री से बड़ा है, तो एडजस्टेंट हर एक एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए, तो अब बताना है आपको ये पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे इस केस में गैस मैं मान के चलता हूँ, नीचे वाला केस आते हैं छोटा सा केस है, तो इसमें कितना गुड सेल्स है ठीक है, तो शुभ यह सेल गुड होगा बिकॉज ये तो ऑलरेडी टू ऐसे जा सकते हो सीधे सीधा, ये भी गुड इधर भी जा सकते हो नीचे आपको और इधर से आप यहाँ पे जंप कर सकते हो ना टू से टू, कोई दिक्कत नहीं है एंड फिर यहाँ से आप राइट में भी जा सकते हो, तो दिस फर्स्ट सेल इज गुड। ऐसे आप सेकंड से अगेन टॉप में सीधा सीधा जा सकते हो, राइट में सीधा सीधा जा सकते हो, ये भी गुड है। थर्ड से शुभ अगेन आप लेफ्ट में सीधा गए नीचे भी आ गए तो ये भी गुड है एंड फोर्थ में शुभ अगेन आप इधर तो आ गए एक एंड यहाँ से शुभ इधर जो जंप कर सकते हो टू से टू, कोई दिक्कत नहीं है इधर से ऊपर जा सकते हो, तो चारों से इसका गुड है राइट, चारों से आप काम बन सकते हैं आपका एंड आप देखिए इसका आंसर टू है ना फोर है, सॉरी चारों से गुड है इसका एंड पहला वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा इटरेट करना तो मैं नहीं कर रहा। एक केस आपको दिखा देता हूँ, मान लो शुभ आप फाइव पे हो ठीक है, तो शुभ एक तो आप ऐसे जा सकते हो फाइव से थ्री, थ्री से टू, थ्री से टॉप, तो टॉप वाला कंडीशन हो गया फुल, और फाइव से थ्री, थ्री से वन और वन से राइट, राइट भी आ गया तो हाँ फाइव इज गुड सेल, तो बस आपको काउंट बताना है कितने गुड सेल्स है ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? यस एंड गाइस मैट्रिक्स का साइज है n स्क्वायर, तो n रोस n कॉलम्स है एंड दे एक्सपेक्ट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर, यू सारा एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया ठीक है, तो या लेट्स गो टू शुभ, बताइए शुभ आप ब्रूट फोर्स क्या सोचे एंड कैसे सोचे फर्स्ट ऑफ ऑल। करण मैं जैसे मैट्रिक्स पे अपन इटरेट करते ना एन क्रॉस एम, वैसे ही इटरेट करेंगे ओके ठीक है, हर एक सेल पे जाएंगे और उसके बाद हर एक सेल पे जाके मेरा वही सवाल रहेगा कि क्या ये गुड सेल है या नहीं ठीक है, जैसे कि सब सपोज मैं बीच वाले टू पे गया ठीक है, अब इससे सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट से कहीं पर जा सकता है या नहीं, लेफ्ट या टॉप में कहीं पर से जा सकता है या नहीं, फिर डाउन या राइट में से किसी में जा सकता है या नहीं, अगर और मतलब काइंड ऑफ मैं फोर वेरिएबल्स मेंटेन कर सकता हूँ लेफ्ट और टॉप का, राइट और डाउन का ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में पहले और लेके फिर एंड लेके अगर ये ट्रू हो गया तो इट इज अ गुड सेल, अदरवाइज इट्स अ नॉट अ गुड सेल। गाइस शुभ ठीक बोल रहा है, शुभ यही बोल रहा है कि पहले तो मैट्रिक्स में ट्रेवल करेगा एंड वो हर एक सेल को चेक करेगा क्या ये गुड है नहीं है एंड चेक, तो वो कोई मेथड से करेगा जो कि शुभ बताने वाले, बट ये करेगा कि
चेक कर देगा सिंपल डीएफएस कर सकते हैं। हाँ उस पर मैं आता हूँ शिव, तो आप यही बोले कि आप चेक करोगे गुड है कि नहीं, गुड का क्राइटेरिया क्या रखे हो आप, चार वेरिएबल रख रहे हो ए बी और सी डी, तो आप बेसिकली टॉप डाउन लेफ्ट टॉप डाउन लेफ्ट राइट राइट, एंड इसमें से अगर कोई भी ट्रू है तो सी प्लस प्लस आप कर दोगे, इसमें से कोई भी ट्रू है आप अगेन सी प्लस प्लस कर दोगे, अगर आपको सी टू हो गया मतलब हाँ भाई क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो इसको आप आंसर प्लस प्लस कर दोगे कि ये हाँ ये अच्छा सर है, ऐसे आप हर एक सर के चेक कर दोगे दिस थिंग एंड अटेंड रिटर्न कर दोगे आप आंसर राइट। Yes. ये आपका ओवरऑल या फिर अगर मैंने यहाँ पर बूल वेरिएबल बना के किया था कि टॉप और लेफ्ट और कर लेंगे, डाउन हाँ. तो और राइट में और कर लेंगे या और फिर दोनों में एंड कर लेंगे, तो बेसिकली ये बोला कि टॉप और लेफ्ट प्लस डाउन और राइट, अगर दिस इज इक्वल टू 2 तो आंसर प्लस प्लस, एंड कितना आंसर आ रहा है रिटर्न कर देगा आंसर एट एंड, एंड ये हर एक से भी ट्रेवल कर रहा है तो ये शुभ निकालोगे कैसे, अब ये बताइए टॉप ट्रू है कि नहीं ये बात बताइए, अब एक पर्टिकुलर से 2 पे हैं अभी निकालोगे कैसे कि ये ट्रू है कि नहीं। करण इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जो सिंपल डीएफएस होता था वो डीएफएस कर देंगे, इस पे इस सेल पे जाके डीएफएस कर देंगे, और हर एक सेल पे जाने की कोशिश करूंगा मैं, हर एक सेल पे जाके हर एक सेल पे जाने की कोशिश करूंगा, और बेसिकली चार कॉल करेंगे इधर से, यस यस लेफ्ट राइट, और जो कंडीशन है वो तो मेरा मतलब फिक्स्ड ही है कि अगर मुझे कहीं से भी कहीं पर जाना है तो वो उससे वैल्यू या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, जैसे 2 से मैं 3 पे नहीं जा सकता, 2 से मैं 2 पे या फिर 2 से छोटे किसी वैल्यू पे जा सकता, तो ये तो कॉल आपका रिजेक्ट हो जाएगा सीधे सीधा, ये कॉल पॉसिबल है, तो इसका ऑप्शन में बेस केस में लिख सकते हैं इस टाइप राइट, एक बेस केस में कि जो वैल्यू जहां से आया है अभी वाले वैल्यू से छोटा होना चाहिए राइट, स्मॉल होना चाहिए, और एक बेस केस आपको बाउंड्री कंडीशन आई जाता है हाँ स्मॉल या ग्रेटर, नहीं स्मॉल होना चाहिए बराबर हो गया तो बेस केस में क्या दिक्कत है, तो बराबर या बड़ा हाँ स्मॉल या बराबर होना चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी माय फॉल्ट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर हो गया तो फिर ग्रेटर हो गया तो आप इसको हटा सकते हो, एक ग्रेटर वाला रख सकते हो, एक बाउंड्री केस लगा सकते हो कि हाँ बाउंड्री क्रॉस कर गया तो भी इनवैलिड है, ये दो तीन आपको देख सकते हैं बेस केस राइट। अच्छा और आगे आप कर रहे हो आपका काम है कॉलिंग करने का, 4 फिक्स कॉल करने का काम है, इट्स योर वर्क एंड एट एंड आपको क्या करना है इसके बाद, उसके बाद फिर करें जैसे कि कोई भी एक मैं बाउंड्री पे चल जाता हूँ ठीक है, हाँ। या फिर बाउंड्री पे नहीं सॉरी आउट ऑफ बाउंड चला जाता हूँ, अब मान लो तो फिर मुझे अब वन से वन से मैं काइंड ऑफ नीचे आ गया ठीक है हो जाएगा ना, हाँ तो यहाँ पर अब फिर मुझे चेक करना होगा कि अगर मैं आउट ऑफ बाउंड चला गया हूँ ठीक है, तो वहां पर आउट ऑफ बाउंड में किसके रिस्पेक्ट में गया हूँ, डाउन वाले के हिसाब से गया हूँ मतलब एन इज मतलब जो नंबर ऑफ रोज था आई इक्वल टू एन हो गया ठीक है, या फिर जे इक्वल टू एम हो गया, तो उससे मुझे पता चले कि कौन सा बाउंड्री हिट हुआ है, या फिर कौन सा माइनस वन हो गया है, जीरो से आई इक्वल टू माइनस वन हो गया है, या फिर जे इक्वल टू माइनस वन हो गया, तो उससे मुझे पता चले कि लेफ्ट वाला बाउंड्री हिट हुआ है राइट वाला बाउंड्री हिट हुआ है, कौन सा बाउंड्री हिट हुआ है ये मुझे पता चल जाएगा। तो गाइस बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको पता है कि ये बाउंड्री कब हिट हो जाए जब आई लेस देन जीरो होता है, सॉरी ऊपर वाला बाउंड्री हिट होता है जब आई लेस देन जीरो होता है, ये होता है जब जे लेस देन जीरो होता है, ये हिट होता है जब आई रो के बराबर हो जाता है 0.indexing में, और ये होता है जब जे कॉलम के बराबर हो जाता है, तो इसे आपको पता है तो आप देख सकते हो कौन सा बाउंड्री हिट हुआ है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग अगर मानो ये से है तो मतलब कहीं एक एक ही बाउंड्री हिट होगा एनी टाइम, दो बाउंड्री हिट नहीं हो सकता, क्या आप ऐसे तो नहीं जा रहे डायगोनली, कोई एक ही बाउंड्री हिट होने वाले बाउंड्री हिट हुआ आपका उसको आप प्रूव कर देंगे राइट। और एक काम और कर सकते हैं करण कि कहीं से भी अगर लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन अगर कहीं से भी मेरा ट्रू हो गया है तो फिर मुझे लेफ्ट और वो टॉप वाला नहीं खोजना है, फिर हाँ, मुझे राइट और डाउन में तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है शुभ का मेरे को, और आई थिंक शुभ आंसर दे देगा है ना, यस दे देना चाहिए, बस आपको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, मतलब बेस केस हैंडल करना पड़ेगा, बेस केस में बाउंड्री कंडीशन आपको ये सब लिखना पड़ेगा, बाउंड्री का हिट हुआ है तो कौन सा बाउंड्री हिट हुआ है, उसके बाद एक तो आप डेटा चेक कर सकते हो रिटर्न कर दोगे सीधा सीधा, फिर आप चार कॉल करोगे आपका मेन काम, एक पहले तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा एक बेस केस आ गया, बेस केस में सब ज्यादा रहेंगे चार बाउंड्री कंडीशन और एक डेटा वाला कंडीशन, फिर आपका काम वाला चीज आएगा चार कॉल टॉप डाउन लेफ्ट टॉप कॉल करोगे, देन आपका फिर वेरिएबल को मेंटेन करना रहेगा कि ये ट्रू हुआ तो ओवरऑल ट्रू फर्स्ट एडजस्ट करो उस हिसाब से, एंड या तो ऐसा आप कर सकते हो राइट सही है, तो आप इसको जब कॉल करोगे चार वेरिएबल भेज दोगे तो एट एंड जब आपका वेरिएबल आएगा तो देखोगे ये पार्ट कर दोगे एंड देन यू कैन अपडेट, आपका सब प्रोसेस पता चल गया है, तो शिप इससे कॉरेस्पॉन्डिंग करने में एन स्क्वायर लग गया राइट, क्या पूरा मैट्रिक्स में वर्ड्स में ट्रेवल करना पड़ेगा आपको डी एफ एस एन स्क्वायर, एंड शिप बोला कि वो हर एक सेल के पास जा रहा है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपका वो ऑफ एन फोर, टोटल सेल्स एन स्क्वायर है एन इन टू एम में आप एन स्क्वायर देगा एंड हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एन एम, तो एन स्क्वायर एम स्क्वायर और एन टू डॉट फोर लग रहा है जो कि बहुत महंगा हो जा रहा है ना शिप, महंगा तो पड़ रहा है।
तो शुभ, इसको जो मुझे इधर से समझ में आया बताए, तो अगर आप थोड़ा सा और सोचते तो आप डीपी लगा सकते हैं, राइट? इधर मेरे को लग रहा है ऐसा लगा सकते हैं डीपी। थोड़ा सा सोच के यस लगाए तो जा सकते वही हैं। मेरे को लग रहा है कि आप लगा सकते हैं शुभ, क्योंकि आप मानो इधर से इधर कॉल किए थे, ठीक है, एंड ये फिर नीचे चला गया, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आपका हो गया डाउन टू, राइट? तो आपको डीपी का मतलब एक डीपी में आपको चार सेल चाहिएगा, बेसिकली 3D DP चाहिएगा, राइट? मतलब एक तो हो जाएगा यस इस हर एक के, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको चार सेल चाहिएगा कि टॉप डाउन लेफ्ट राइट, एंड इसका कौन कौन सा ट्रू है आपको उधर स्टोर करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटेन करोगे ओवरऑल। अभी अभी डीपी हम खत्म करके आए, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से किए एंड डीपी के बेस्ट 50 सुपर क्वेश्चन किए, तो थोड़ा अगर फॉलो करोगे आप रिलेट कर पाओगे खुद से, जीत पाओगे। एंड शो अभी डीपी का आपने 3D DP का भी क्वेश्चन करके ही आए थे, तो आप उस हिसाब से लिखना पड़ेगा यस डीपी का साइज होगा एन। बेसिकली इसमें जो हर एक सेल होगा एन, मतलब जो भी एक सेल होगा एन आई का मचे, उसमें उस सेल में चार वैल्यू स्टोर होंगे। यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर होता था, उसमें चार वैल्यू स्टोर होगा। बस इसी 3D हो रहा है, तो चार वैल्यू यस स्टोर करेंगे एंड बताओगे कि मतलब भाई इसका टॉप डाउन लेफ्ट राइट वेरिएबल है, इसका अप डाउन को ट्रू कर दिया भाई, तो इससे फायदा क्या इसका? अगर डाउन ट्रू हो गया तो मान लो जब टू इसको कॉल किया था तो ये देखा मेरा क्या क्या ट्रू कि है यहाँ से इसका, डाउन जा सकते हैं। हाँ, तो ये रिटर्न इधर से कर देगा कि डीपी में इसका अगर आंसर स्टोर हो गया तो इधर रिटर्न कर देगा वो भाई। तो हाँ संभव, मतलब देखिए ऐसा होगा कि ये चार कॉल करता है तो ये नीचे का कॉल करेगा क्योंकि इसका डाउन ऑलरेडी विजिटेड है, ट्रू है, मान उसके टॉप विजिटेड नहीं तो ये ऊपर वाला कॉल करेगा, तो देख के डीपी लगाना यस पड़ेगा कि जो विजिटेड है वो कॉल नहीं करना आपको, तो कुछ कॉल सब कमा दे रहे हो बेसिकली, तो कॉल नहीं होगा वो कॉल नहीं होगा, रफी अगर बात करूँ तो ऑफ एन में हो जाएगा, मतलब एन स्क्वायर एक ट्रेवल्सर होगा, अच्छे से काम बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हाँ, यस तो ओवरऑल 2n² यानी कि ऑफ एन स्क्वायर लॉजिक बन जाएगा, मतलब हो जाएगा अगर आप ठीक से करोगे इसको, सोच के थोड़ा टफ होगा इतना ओवरऑल, बट अगर आप फॉलो करे हो अच्छे से तो आप लिख पाओगे मेरे हिसाब से, बन जाना चाहिए, ठीक है? आई होप सो गाइस आपको ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा एंड उसका डीपी ऑप्टिमाइजेशन जो कि काफी अच्छा लगा मेरे को, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है किसका शुभ, मतलब डीपी प्लस ग्राफ, राइट? तो ग्राफ पूरा यस अच्छे से यूज हो रहा है, आपको DFS बहुत अच्छे से करना पड़ रहा है एंड उसी का आप मेमोराइज भी कर रहे हो, ये परफेक्ट डीपी प्लस ग्राफ का क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिकर्शन में डीपी लगाते हैं, बट शुभ ये DFS पर्टिकुलर DFS मैट्रिक्स में तो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को बहुत। तो गाइस पर भैया, तो गाइस पर भैया आप ग्राफ का प्योरली बात की थे, तो भैया ग्राफ से भी हो सकता है, हाँ ग्राफ से भी हो सकता है एंड ये अप्रोच काफी अच्छा है, इसको बोलते हैं मल्टी सोर्स DFS एंड शुभ ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो जाता है, अगर मैं CP का बात करूँ तो जन एक्सपर्ट्स के बाद ही लोग इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मली तो क्वेश्चन नहीं आता इसका कुछ। मल्टी सोर्स BFS शिप नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि से BFS में शिप क्या होता है, अपने एक सोर्स ले लेते हैं भाई, फिर उसके सब कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स को ट्रेवल करते हैं एंड फिर क्यू में स्टोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का कुछ करते हैं, राइट? मल्टी सोर्स मतलब शिप सोर्स आपका एक नहीं, मल्टी सोर्स जैसे इनिशियल BFS में क्या आप कोई एक नोड को क्यू में पुश करते हैं, राइट? शिप क्यू डॉट पुश एक्स फिर आप वाई लगा देते हैं क्यू डॉट साइज एंड ऊपर करते हो, तो एक सोर्स रहता है वहां से पूरा BFS करते हो, हर जगह जाते हो, इसमें सोर्स ही बहुत सारे होंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टी सोर्स BFS, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस उतना ही है, थोड़ा समझते हैं कैसे करना है एंड क्या फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स। विश्व अगर मैं इस मैट्रिक्स से बात करूँ, ठीक है, थोड़ा शुभ प्रैक्टिकल सोच के मेरे को बताइएगा इस मैट्रिक्स में कि किसका आंसर ट्रू ऑलरेडी है, मतलब मैं 2 BFS लगाऊंगा, आप सोचो एक टॉप के लगाऊंगा एक नीचे वाले के लगाऊंगा, ठीक है? अब मैं टॉप और लेफ्ट के बेसिकली, राइट? तो टॉप लेफ्ट के इशू ये सब तो ऑलरेडी हमेशा ट्रू ही होगा, जो आपका पहला यस कंडीशन है टॉप और लेफ्ट, तो जो बाउंड्री पे है इससे तो हमेशा ऊपर जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको, तो इनो के रेस्पेक्ट में टॉप लेफ्ट तो हमेशा ट्रू है, तो हमेशा ट्रू है ना शुभ, इसमें डाउट नहीं है, तो यस ये सब तो भाई यस हमेशा पॉसिबल है, मैं नया बना देता हूँ देखो बेटर समझ आएगा। तो मैं दो अलग अलग केस डील कर रहा हूँ, एक तो टॉप लेफ्ट का अलग से डील कर रहा हूँ और राइट डाउन का अलग से डील कर रहा हूँ, और मैं बोल टॉप लेफ्ट का डीलिंग हो रहा है, इधर जो भी वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ये हमेशा ट्रू होगा, इस सब का हमेशा टॉप लेफ्ट ट्रू होने वाला है, ये हमेशा जा सकते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है, राइट? अच्छा, तो यस मान लो इधर ट्रू है, ये तो ट्रू है क्योंकि इधर से जा सकता है, और शिव मान लो अब मैं क्या करूंगा शिव, मैं क्यू में सबको पुश करूंगा भाई, ये सारे ट्रू है, क्यू में सबको पुश कर दिया, ठीक है? अब बाकी भी BFS नॉर्मली लगाओगे क्या नॉर्मली भाई, तो शिव मैं वैल्यू दे देता हूँ, बेटर रहेगा भाई, क्या वैल्यू थी खुद से इनिशिएट कर देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4, 2 2 3 1 4 2 1 3, इस टाइप को इतना रहने दो, अब समझ जाओगे इतना में, देखिए तो मैं बोला शुभ अब सबको स्टोर कर दिया मैं इधर, इतना मैं अगर एरे दिया हुआ है मान हटा देता हूँ, ठीक है, इतना मेरा अगर दिया हुआ है और मैं सबको स्टोर कर दिया, तो मैं क्यू में क्या क्या है मेरे पास, 1 है 2 है 4 है और 2 3 4, इतना चीज़ है, राइट?
बेसिकली मैं सेल स्टोर कर रहा हूँ, मैं इसका वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ, सेल का एड्रेस भी स्टोर करना है। हाँ ठीक है, एड्रेस ही स्टोर कर लो क्योंकि आप एड्रेस को इसको एक्सेस अगेन कर सकते हो। एड्रेस आप पहले इसको निकालिए राइट। तो गाइस आप उल्टा सोचिए, रिवर्स इंजीनियरिंग की, अगर आप ये तो ट्रू है एंड इससे आप कहाँ का रीच कर पा रहे हो, इससे आप यहाँ रीच कर पा रहे हो और नीचे रीच कर पा रहे हो, ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, इसको ये ऑलरेडी क्यू में है, इसको रीच कर पा रहे हो। अच्छा क्या ये मुझसे बड़ा या बराबर है? बड़ा या बराबर, छोटा नहीं, हाँ ये मुझसे बड़ा या बराबर है, मतलब इससे मैं खुद तक आ सकता हूँ, इससे मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, एंड सिंस मैं खुद ट्रू हूँ तो ये भी मेरा भाई ट्रू हो गया, श्योर रीड कर पाए ना। अभी उल्टा सोच रहा हूँ मैं, बोला कि ये इधर से आप पहले क्या कर रहे थे, आप पहले यहाँ से छोटा को जा रहे थे, अब मैं यहाँ से बड़ा को जा रहा हूँ क्योंकि ये आंसर पक्का है, तो यहाँ से जो बड़ा या बराबर है वो भी आंसर मेरा होगा, तो हाँ भाई ये तो आंसर होगा, इसको भी मैं क्यू में पुश कर दूंगा, इसको क्यू से निकाल दूंगा, तो काम हो गया। एंड आई एम मेंटेनिंग अ विजिटेड एरे, ऑब्वियसली कि विजिटेड है कि नहीं बताने के लिए। अब नेक्स्ट में जाऊंगा शिफ्ट किस में, सॉरी सब ये भी विजिटेड ही था, आई एम सो सॉरी, ये भी तो विजिटेड ही था ना, पर हाँ फंडा समझ में आना चाहिए, ये भी विजिटेड था, इसको आप क्यू में स्टोर किया ऑलरेडी, बट लॉजिक यही है बताने का मतलब है। फिर आप इसको क्यू से निकाल दिए शुभ राइट, फिर आप क्या करोगे भाई, इस पर जाओगे इस टू पे भाई। अब इससे देखोगे टॉप पे तो कुछ है नहीं, राइट में तो ऑलरेडी विजिटेड है फोर, ये भी विजिटेड है, तो नया एलिमेंट क्या है टू राइट। अच्छा ये नया बच्चा है और ये मेरे से छोटा या बराबर है, हाँ छोटा या बराबर, मतलब ये भी टू होगा, बड़ा होना चाहिए, नहीं शुभ बराबर भी तो चलेगा ना, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, हाँ छोटा या बराबर है तो ये, हाँ सॉरी ये बड़ा या बराबर तो भाई ट्रू है, तो इसको शुभ ट्रू मार्क कर दूंगा मैं एंड इसको मैं क्यू में पुश कर दूंगा राइट, एंड इस टू को निकाल दिया। फिर मैं अगेन इस फोर पे गया, फोर से कॉल, ये तो विजिटेड ऑलरेडी, इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं और नीचे में भाई टू है, तो भाई नहीं तू तो नहीं, मेरे थ्रू तो नहीं हो सकता, हाँ और वाया कोई और पाथ हो सकता है, मेरे पाथ से तो नहीं हो सकता, तो खत्म, फोर भी निकल गया राइट। फिर अगेन आप इस टू पे आओगे राइट, नेक्स्ट टू आप ये वाला इस अगेन करोगे, सेम चीज देखोगे, अगर कुछ हो पा रहा है इससे तो कुछ होगा नहीं, ऊपर में कुछ है नहीं, इधर है नहीं, ये विजिटेड है, ये भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, आप कर चुके हैं उसको। अगर आप इस थ्री पे आओगे, इस थ्री से शुभ ये थ्री है, यानी विजिट हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, तो इसका पुश कर दोगे भाई, इसको निकाल दोगे। इस फोर पे आओगे शुभ, इस फोर से ये तो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब हुआ है, तो खत्म आपका कहानी भाई। तो ये दो नया बचा शुभ, एंड अगेन इन दोनों साथ फिर आगे पूरा भरते जाओगे ऐसे फोर में जहाँ तक जा पा रहे हो एंड ट्रू मार्क करते जाओगे। तो एट द एंड आपको जो विजिटेड मैट्रिक्स था शुभ, उसमें जो जो ट्रू होगा वो सब कर सकते हैं, वो सब आपका, क्योंकि एक बार जो भी आदमी एक बार क्यू में आया है वो हो सकता था इसलिए क्यू में आया, एंड सिंस क्यू में आया तो वो ट्रू मार्क हुआ है, तो अटेंड जो जो आपको ट्रू मार्क हुआ शुभ वही सब आपके पॉसिबल कैंडिडेट से लेफ्ट हैंड टॉप वन। एंड शुभ आप सेम काम कर सकते हो राइट और बॉटम भी, आप क्या आप जो नया क्यू बनाओगे शुभ उसमें इनिशियली क्या स्टोर करोगे, राइट और बॉटम के एलिमेंट को स्टोर करोगे, इसमें आप इनिशियली आप सोर्स क्या था, आपका सोर्स था लेफ्ट और टॉप का एलिमेंट, क्योंकि ये सब आंसर हमेशा हो सकते हैं, उसमें आपका सोर्स क्या होगा राइट और डाउन का एलिमेंट, क्योंकि ये सब आंसर हमेशा हो सकते हैं राइट, इसको आप स्टोर कर दोगे आराम से अपने अपने, एंड अगेन यहाँ से भी एफएस लगाओगे एंड वही काम बड़ा या बराबर है तो काम हो सकता है, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एंड आई थिंक ये पूरा फंडा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा राइट। Yes. इसलिए टेक्निकल मल्टी सोर्स बी एफ एस कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बी एफ एस से बस सोर्स बहुत सारे होते हैं। एंड शुभ ये कितना में हो जाएगा टाइम, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, क्योंकि आपको एक टू एन स्क्वायर, बेसिकली आप एक बी एफ एस लगाओगे ऊपर से तो ये कर दोगे टू एन स्क्वायर और इधर से बी एफ एस लगाओगे वो भी एन स्क्वायर, एंड फाइनली यू विल इटरेट ऑन द मैट्रिक्स, बेसिकली दोनों टू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप आंसर इंक्रीमेंट करोगे थ्री एन स्क्वायर, बेसिकली तो ऑफ एन स्क्वायर में हो जा रहा है आराम से, आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए, लेट्स गो ऑन टू द कोड ठीक है। आइए जो ब्रूट फोर्स कोड में लिखा नहीं जरूरत नहीं था, जो बेटर कोड है बीएफएस मल्टीसोर्स वही लिखा हूं, तो शुभ आगे तो आपको ये फंक्शन बेसिकली बता देता हूं, तो कोड देख के आप डर जाओगे एक बार में। वेल नाउ यू कैन यूज द कूपन कोड ब्रो कोडर्स टू गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द जीएफजी कोर्सेस, बी इट डेवलपमेंट, बी इट सेल्फ पेस्ड कोर्स, बी इट गेट प्रिपरेशन कोर्सेस, यू कैन यूज दिस कूपन कोड ऑन जीएफजी एंड यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ देयर कोर्सेस। ये फंक्शन क्या है, वही है कि एक वेक्टर बना दिया भू वाला, मतलब भू यानी कि इसमें दिया तो इसमें टॉप और लेफ्ट का भू से रेफर कर रहे हैं कि भू ओशन है, रेड ओशन है, तो एक भू है टॉप और लेफ्ट के लिए और ये है डाउन और राइट के लिए ठीक है, दो एरे बना दिया मैं बेसिकली ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए राइट। मैं कॉल कर दिया बी एफ एस किस में, पहले तो कॉल करूंगा शुभ किस भू पे और कॉल करूंगा शुभ रेड पे राइट, एंड कॉल कर दिया एंड एंड मैं फिर मैट्रिक्स में इटरेट करूंगा शुभ, तो दोनों ट्रू है, भू वाला भी ट्रू है भाई, ये भी टू है, तो आंसर प्लस प्लस एंड एडिट एन आंसर, ये तो सिंपल आपको समझ में आना चाहिए, बाकी बीएफएस क्या वो समझते हैं चाहिए ओके थोड़ा बड़ा हो गया है ठीक है, एक देखना आराम से समझ आ जाएगा। शुभ मेरे को क्या करना है पहले, तो कॉल तो एक विजिटेड आइटम बनाना पड़ेगा ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्यू बनाना है, क्यू देना है शुभ, एंड ये सी07 क्या है शुभ,
मतलब आप हो सकता है दो बीएफएस सीख लो, अब बीएफएस का दो एरे बना दो, ब्लू की एक रहती है दो बार बीएफएस सीख लो। मैं क्या कहना, सिर्फ एक ही बीएफएस सीख दिया उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर सी जीरो है तो ब्लू वाला है तो आप उसमें स्टार्टिंग करो किससे, टॉप वाले लेफ्ट से, अगर सी वन है तो आप बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट करो। तो यही फर्क है दोनों बीएफएस से, बाकी तो प्रोसेस पूरा सेम है। तो दिमाग वगैरह आप लगा सकते हो एग्जाम वगैरह में, दो फंक्शन मत सीखो एक में कर दो काम, दो फंक्शन से तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है एक में से, नहीं है आप भैया कॉपी पेस्ट कर दोगे पर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो वही बात है, अगर सी जीरो है तो ब्लू वाला है, देखिए मैं तो लिखा हूँ ब्लू में सिर्फ सी को जीरो किया हूँ और रेड में शिप को सी को बन किया हूँ, तो बस वही है। अगर सी जीरो है तो शिप आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए टॉप से, टॉप से स्टार्ट करना है। टॉप यानी कि देखिए जीरो से मतलब क्या हुआ, जीरो थ्रो का सारा कॉलम, जीरो का मतलब स्टोर किया हूँ है ना, और शिप लेफ्ट वाला कुछ लेफ्ट मतलब कैसे एक्सेस करोगे आप, आई कॉलम क्या होगा, सिर्फ जीरो आई कॉमा जीरो राइट, बस सबको स्टोर कर दिया, सबको शिप विजिटेड थ्रू कर दिया, विजिटेड हो गए तुम राइट। अब नीचे गया एल्स मतलब डाउन या लेफ्ट राइट पे स्टोर करूंगा, तो डाउन क्या है, डाउन आपका ये सब है, तो कैसे एक्सेस होगा शो जे जीरो से आई डॉट साइज तक, और ए डॉट साइज होने से मतलब ये रो, ए डॉट साइज होने से क्या होता है ये वाला रो का हर एक कॉलम सब स्टोर कर लो, एंड अगेन आप राइट को भी स्टोर कर सकते हो ऐसे ही सिंपल, एंड सबको विजिटेड थ्रू कर दो भाई क्यू में घुसा के। अब शो आपका क्यू रेडी हो चुका है कॉरस्पॉन्डिंग टू सार्ट, अब बस वही प्रोसेस क्या है, देखिए आपको स्टार्ट करना है क्यू का, जब तक क्यू में कुछ कुछ है आपको कंटिन्यू करना है, बीएफएस स्टैंडर्ड बीएफएस का प्रोसीजर है वही। अब क्यू से आपको पहला तो निकालना पड़ेगा क्या, पहला एलिमेंट जो भी है क्यू का वो आपको निकालना है, उसको पॉप आउट कर देना है। तो आपको चार डायरेक्शन देखना है, चार डायरेक्शन आपके पास राइट, वही है बेसिक काम क्या है देखना है, क्या वहाँ जाना वॉलिड है कैसे, मैं अभी कहा हूँ, अभी मैं हूँ पी डॉट फर्स्ट पी डॉट सेकंड में हूँ, अभी मैं पी डॉट फर्स्ट और पी डॉट सेकंड में हूँ राइट, अभी यहाँ पे अब यहाँ से मैं टॉप में जा सकता हूँ नीचे लेफ्ट राइट, मैं टॉप में अगर गया शू माइनस वन करूंगा क्या ये वैलिड है जाना, पहली बात तो ये रखना पड़ेगा क्या ये वैलिड है जाना, तो ये इस फंक्शन से बेसिक समझ लिख गया ऊपर में, आप भी लिख सकते हो कोई बड़ा बात नहीं राइट, ये अगर ये है तो रिटर्न टू नहीं तो फॉल्स आपको आता होगा, तो क्या जाना है वैलिड है पहली बात तो ये देखो, फिर देखो क्या जाना है वैलिड है पहली बात तो ठीक है, अगर वैलिड है जाना तो इधर देखिए आगे, अब ये रजिस्टर नहीं होना चाहिए, नहीं है और उसमें जो वैल्यू है उसको वो मेरे से बड़ा या बराबर होना चाहिए है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, अगर तीनों कंडीशन मीट कर रहा है शुभ तो हाँ भाई अच्छा ट्रू है, तो इसको क्या करना पड़ेगा शुभ को क्यू में पुश करना है राइट, प्रूव करना पड़ेगा हाँ क्यू में आगे पुश कर दिया शुभ उसको मैं और विजिटेड ट्रू कर दिया खत्म, और ऐसा शुभ आप चारों डायरेक्शन में कर सकते हो जो सेम प्रोसेस में बोला, ये मैं किया अगेन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट के, देखिए टॉप की लेफ्ट की बॉटम की राइट की सिंपल, एंड शुभ मेरा क्यू हो गया रेडी इतना में, कहाँ आ गया यार मैं, हाँ तो क्यू हो गया मैं रेडी इतना में शुभ पूरा बस खत्म, और तो कुछ आपको करना ही नहीं, बस क्यू से निकाले पॉप आउट किए एंड ये काम कर दिए, एंड भैया आप ये क्यों किया मुझे बता दो बस, क्यू डॉट साइज ये आपको समझ में आना चाहिए, हम बीएफएस में बहुत ग्राफ में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अभी मानो क्यू में तीन एलिमेंट है तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना तो आप क्यू में एलिमेंट भगता जाएगा, क्यू का साइज चेंज होता जाएगा डायनेमिकली राइट, तो आपको ये नहीं करना, तो अभी जितना एलिमेंट तीन आगे उसको एक्सेस करो, फिर तीनों को एक्सेस करने का क्यू नया क्यू बन चुका है मतलब सेम क्यूब को रीयूज कर रहा हूँ मैं, बस आप ये समझ पाओगे बेसिक बीएफएस सब ग्राफ का वीडियो देख लिया, यस वी हैव डिस्कस्ड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है या दिस वॉज द कोड एंड आई थिंक ये वीडियो सब बहुत कुछ समझ में आया होगा, ग्रुप को सपोर्ट कितना अच्छा लगा, फिर डीएफएस में डीपी कैसे लगा सकते हैं, ग्राफ को डीपी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप देखें, और मल्टी सोर्स बीएफएस जो कि बहुत टफ कंसेप्ट बोलते हैं इसको टफ है नहीं, ये भी आप समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन एनीवेज बहुत टफ था, मेरे को लगता है नॉर्मली कोई कंपनी पूछेगी शुरू इसको, कौन पूछा है इसको, गूगल पूछा और तो कोई नहीं पूछा है, मतलब टाइम हो जाएगा इसमें अच्छा खासा, अगर आप इतना जाओगे इसको देखिए कितना बड़ा कोड हो जा रहा है या अगर ये वीडियो आपको समझ में आया अच्छा लगा गाइस देन डू कंसीडर लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, तो रीच आउट करने में हम लोग को हेल्प करिए गाइस, हम चैलेंज कुछ दिन का ही बचा है सीरियसली फॉलो करिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, जय हिंद।